जितना समा सतगुरां दे हजूर सजी हो जीवन दिया एक कड़िया सफल हो रही ने इनी पता हुंदा कि गुरु ने किस वेले दयाल होने साडा कम है गुरु अगे अरदास करनी झोली अडनी खैर कदों पानी है ते ओहो ही जानदे जितने भी माई पाई सतगुरां दे हजूर सजी हो एक एक पल जिहड़ा ए साडा सफल है असी जानिए या ना जानिए पर गुरु किवें दयाल हुंदे ए ते ओहो ही जानदे बेशक अज समझ ना आवे पर समा आवेगा जिस वेले ए ज्ञान होवेगा जिस वेले तुसी कीर्तन सुन के अपने अपने घरां नूं जाओगे एक गल याद रखना सतसंगत उस वेले तुसी इकलिया नहीं जाना तुहाडे नाल धन गुरु नानक साहब दीआं रहमतां ने भी जाणे आखो सतनाम श्री बड़े वड्डियां भागां वाले हो जो इतनी श्रद्धा भावना दे नाल समूह शहीद सिंघां दी याद सिख कौम दे महान जरनैलां दी याद तुसी मना रहे हो आओ जिन्हियां भी संगतां बैठे हो सारे मिल के कीर्तन करिए कोई भी रसना वांझी ना रह जाए तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर करे मेरा गोबिंद
देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, योग सत्संग जीओ, जिथे आप जी गुरबाणी करोगे उथे आप जी शहीद सिंघां नूं समर्पित दो वारा भी सरवण करोगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने दरबार विच 52 कवि रखे हुए सन, ते महाराज ढाना भर भर के सोने दियां मोहरां कवियां नूं इनाम दिया करदे सन। अज भी तुसी श्री पौंटा साहब जाओ ना, पूर्णमाशी की रात नो अज भी उत्थे कवि दरबार हुंदे, जिहड़ा अज भी सानू के कलगियां वाले कवियां दी कविता दे नाल कितना प्यार करिया करदे सन। आओ जिन्नियां भी संगतां बैठे हो, एक वारी दास बोलणगे, एक वारी सारी संगत ने उच्ची आवाज विच बोलणा, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। धन धन समूह शहीद सिंघों तैथों जावा वारी, धन धन समूह शहीद सिंघों तैथों जावा वारी। नमस्कार है बाबा जी तुहानू लख वारी, नमस्कार है बाबा जी तुहानू लख वारी। धन धन समूह शहीद सिंघों तैथों जावा वारी, धन धन समूह शहीद सिंघों तैथों जावा वारी। नमस्कार है बाबा जी पानो लख वारी, जपो नमस्कार है। नमस्कार है बाबा जी तुहानू लख वारी, बोलो नमस्कार है। सत्संग जी, इनियां संगतां बैठियां होण ते आवाज नाल गुरु दरबार ना गूंजे, गल बणदी नहीं। सत्संग जी करो कृपा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक दिन संगतां नूं कहा कि तुसी कीर्तन करो। संगत कहन लगी महाराज ना राग आंदे ते ना साज। पंजवें पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे प्यारेओ हिम्मत तुसी करो, कृपा गुरु नानक साहब करनगे। आखो सतनाम श्री। आवाज तुहाडी होवेगी पर विच बोल गुरु नानक साहब दे होणगे, ते सत संगत जिदे हिरदे विच गुरु नानक साहब बैठ के बोलन ओ किवें नहीं गा सकदा। इस करके आओ प्यारे ओ, एक वरी असी बोलांगे, एक वरी सारी संगत उची आवाज विच कृपा करो, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। धन धन समूह शहीद सिंघों तुहाथों जावा वारी, धन धन समूह शहीद सिंघों तुहाथों जावा वारी। नमस्कार है बाबा जी तुहानू लख वारी, जपो नमस्कार है।
नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, बोलो नमस्कार है। नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी। धन धन समूह शहीद सिंघो तुहाथों जावा वारी, धन धन समूह शहीद सिंघो तुहाथों जावा वारी। नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, जपो नमस्कार है। नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, बोलो नमस्कार है। हर एक पासे दिसदी तुहाडी कला न्यारी, हर एक पासे दिसदी तुहाडी कला न्यारी। नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी। धन समूह शहीद सिंघो तुहाथों जावा वारी, धन धन समूह शहीद सिंघो तुहाथों जावा वारी। नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, नमस्कार है बाबा जी थानू लख वारी, बोलो नमस्कार है। परम सत्कार योग सत्संग जीओ, एक शायर दा कथन है, भगत सूरमा ते दान करन वाला, पैदा लाल माता विरली करे कोई कोई, हर कोई अपनी पंड नू चुकदा ए, पंड किसे दी सीस ते धरे कोई कोई। मिठा बोलिया ता दुनिया खुश हुंदी, कौड़ा बोलिया किसे दा जरे कोई कोई। ओ खातर अपनी मरे कुल दुनिया, ए पर देश ते कौम लई मरे कोई कोई। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती, परम सत्कार योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उना दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। इतिहास विच जिक्र आंदा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर नो गिरफ्तार करके एक पिंजरे विच लै के दिल्ली लियांदा गया। हाथी दे उपर पिंजरा रखिया सी, संगला नाल बन्या होया, पिछे एक नंगी तलवार वाला सिपाही बैठा, जिन्ने एक बिल्ली मार के बरछे ते टंगी होई सी। ए सिंघां दा जलूस कढ रहे सन दिल्ली विच मुगल सिपाही, ते बिल्ली टंगी सी बरछे ते, इहदा मतलब ए सी कि असी सिंघ भी खत्म कर दिते। इतनी तबाही कीती सिंघां दी कि एक बिल्ली भी नहीं रहण दित्ती। आखो सतनाम सिंह। बाबा बंदा सिंह बहादुर नो पिंड गुरदास नंगल तो गिरफ्तार करके दिल्ली लियांदा गया।
ते सात संगत सौ सिंह उस वेले रोज शहीद किया जाता सी। उस समय हिंदुस्तान का बादशाह सी फरकसियर सौ सिंह जिन्होंने एक दिन पहला शहीद किया सी। उन्हां सिंघां दे सिर धरती ते डिगे होए ने, धड़ एक पासे सिर एक पासे, धरती खून नाल लाल। ये तुहाडा इतिहास है सात संगत, कितने बहादुर हो तुसी, कैसा जज्बा कलगियां वाले ने तुहाडे विच भरे है, इनू कदी भुले हो ना। उन्हां सिंघां विच एक नौजवान बच्चा भी पकड़िया गया, दाड़ी नहीं सी आई। ते बच्चे दी मां ने बादशाह नूं कहा, ऐ बादशाह मेरा पुत्र सिख नहीं, एक गलती नाल पकड़िया गया है। ते फरकसियर कहन लगा, चलो कोई ते है जेड़ा कहंदा मैं सिख नहीं। आखो सतनाम श्री, क्योंकि जिन्हां नूं ये शहीद करदे सन पहला कहंदे सन सिखी छड़ दिओ, ते सिंह कहंदे सन सिखी नहीं छड़नी, ये ते केसा सुवासा नाल निभेगी। फरकसीर कहन लगा, ठीक है तू अपने पुत्र नू कह, आके कह देवे मैं सिख नहीं, मैं छड़ देंगा। माई दौड़ी अपने पुत्र नू बाहु पकड़ के खिच के ले आई। कहन लगी, बादशाह ये मेरा पुत्र सिख नहीं। ते फरकसीर कहन लगा, पहला इनू कह अपने मुंह तो कवे मैं सिख नहीं, मैं सुनना चाहना के सिख कवे मैं सिख नहीं। सत संगत उस नौजवान ने एक वरी बादशाह वल तकिया, एक वरी मां वल, फिर उना सिंगा वल तकिया जिन्हां दे हाथ बन्ने होए ने, जिन्हां नू हाले शहीद कीता जाना है। फिर उना वल देखिया जिन्हां सिंगा दे सिरां दा ढेर लग्या पे है, शहीद होए पे ने, खून नाल धरती लाल। उन्हां शहीदां वल देखिया ते चेहरे दा रंग बदल गया, ते नौजवान मुस्कुरा के बादशाह नूं कहन लगा, ऐ बादशाह इस माई नूं भुलेखा लगे, ये कहंदी है कि मैं सिख नहीं, पर असल विच बादशाह ये मेरी माँ ही नहीं। आखो सतनाम श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सत्कार योग वीर जी होना दा, जिन्होंने इतनी श्रद्धा भावना नाल जयकारा गजाया है। सत संगत जयकारा जेड़ा है ये गुरु की संगत दी असीस हुंदी है। ते जिस वेले कोई जयकारा गजांदा है कीर्तन करन वाले नू बड़ा बल मिलता है। बादशाह फरकसीर कहंदा, फिर कौन है तेरी माँ? कहन लगा बादशाह, मेरी माँ है माता साहिब कौर, पिता गुरु गोबिंद सिंह। अग लग गई बादशाह नू, कहंदा पहले इनू शहीद करो। उस नौजवान नू ले गए जिथे सिंघां दे सिरां दा ढेर लग्या पे है, इशारा कीता सिर नीवा कर। उधरों जल्लाद ने तलवार मारी, उस नौजवान दा सिर धड़ नालों जुदा हो के धरती ते जा डिगया। खून दी फुहार निकली, देखण नू कह सकने आ कि सिर धरती ते डिगा, पर सत संगत असल विच ओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू भेट हो गया। कलगियां वाले नू भेट हो गया। हुण वारी आई बाबा बंदा सिंह बहादुर दी। काजी कहन लगा, बंदा सिंह किन्ना सोहना तेरा चेहरा दग दग कर दे, तू इस्लाम नू कबूल कर ले, तेरी जान बख्श दित्ती जाएगी। बाबा जी कहन लगे, काजी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि मैं सिखी छड़ देया, मेरी सिखी केसा सुवासा नाल निभेगी। ता सत संगत काजी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे छोटे लड़के नू सामने लियांदा, उन्हां दी अखां दे सामने बच्चे दे कालजे विच छुरा मारिया। पुत्तर दे तड़फ दे कलेजे नू बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूंह विच पाया, पर बाबा जी फिर भी ना डोले। उस वेले उत्थे खड़े लोकां दीयां अखां विच आंसू आ गए जदों उन्होंने ये सीन देखिया। सत संगत जी, जदों इन्हां मुगलां ने देखिया कि बंदा सिंह डरदा नहीं, ते ना ही ये मुसलमान बनन वास्ते तैयार है,
ते बादशाह कहन लगा बंदा सिंह तू कहो जी मौत मरना चाहने। बाबा जी कहन लगे बादशाह जिमें तू कल नू मरना चाहते ओहो जी मौत मैनू मारी। बाबा बंदा सिंह बहादुर नू तसीहे दे के शहीद कर दिता गया। बाबा जी सिखी सिदक निभांदे होए अपना आप सिखी तो कुर्बान कर गए। पर सतसंगत जिहड़ी कुर्बानी वह कर गए ने वह सदा वास्ते मनुखता याद रखेगी। ताइयों किसी शायर ने लिखे है सदके जाओ मैं उन्हां बहादुरां तो जान जिन्हां ने तली ते धरी होई है। ओ दुनिया एक मनसूर ते माण करदी ए सारी कौम मनसूरां नाल भरी होई है। शायर कहंदे ओ बगीचा वी कादा बगीचा जिदे अंदर कोई फुहारा ना होवे। ओ कहानी वी कादी कहानी जिदा कोई अगों हुंगारा ना होवे। ओ पींग वी कादी पींग हुंदी जिदा कोई वधिया हुलारा ना होवे। ओ कौमा कदे तरक्की नहीं करदियां जिन्हां दा उच्चा जयकारा ना होवे। जपो ए तेरी परिया
सरंजाम लाग पौजल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के जप ताप सजम धर्म नाग माया सेवा साधना जन हर राया कहो नानक हम नीच करम शरण परे की राखो गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया गुरु रूप साध संगत जीओ एक शायर का कथन है गुरु सिख जोगा सिख गुरु जोगा जोगे अपने दी जानी जान रखे महा सिंह दा भी महाराज मेरा वेले अंत दे पहुंच के मान रखे नवी आई बंदूक दी परख वेले सिख ओ जेना छाती तान रखे ओ जेना मान रखे बाजा वालने ते बाजा वाला भी ओदा मान रखे खालसा जी जे हकीकत नू देखिए ता गुरु गुरु ही हुंदे चेला चेला ही हुंदे पर कैसा महान इनकलाब ल्यांदे मेरे साहिबा ने आपे गुर चेला पहले पंजा प्यारिया नू आप अमृत छकाया और फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए ने खालसा जी ए अमृत दास नू बख्शो पंजे प्यारे हैरान रह गए भाई दया सिंह कहन लगे महाराज तुसी सानू अमृत छकाया ते असी तुहानू छकाइए उल्टी गंगा सेब कहन लगे नहीं दया सिंह जी तुहानू अकाल पुरख ने अमृत बख्शिए ते तुसी दास नू बख्शो भाई दया सिंह कहन लगे महाराज सिख ने अमृत मुफ्ती नहीं लिया कहन लगे गोबिंद सिंह भी मुफ्ती नहीं चाहुंदा महाराज अमृत लैण लई सिख ने सिर दिते दसो गुरु साहब की देणगे हजूर दे कोमल जिहे बुल्लां विचों मुस्कुराहट आई सेब कहन लगे भाई दया सिंह जी जे अमृत लैण लई सिख ने सिर दिते ते गोबिंद सिंह सारा सरबंस कुर्बान कर देवेगा और जो कुछ किया ओ करके विखा दिता ओ ना देश बदले कौम बदले धर्म बदले नेकी बदले सच बदले परुपकार बदले माता वार दित्ती पिता वार दित्ता पुत्र वार दित्ते मामे वार दित्ते भुआ ने पुत्र वार दित्ते सारा सरबंस वार के आप जी वर्गे गुरसिखा वल इशारा करके क्या सी इन ही की कृपा के सजे हम हैं नहीं मौ सौ गरीब करोड़ परे कहन लगे मैं ते गुरु ही इन्हां दा बनाया बनिया हां नहीं ते मेरे वर्गे करोड़ा गरीब इत्थे तुरे फिरदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच इन्नी निमरता भाई नंद लाल जी कहंदे ने खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह
हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह आईना कहते ने शीशे नू भाई नंद लाल जी कहते ने गुरु गोबिंद सिंह सच है और सच दे वेखण वाला शीशा है। मिस्टर मैकालिफ इंग्लैंड तो इंडिया विच आया उन्हें सिखां दा इतिहास पढ़िया और फिर लिखिया और लिखदा लिखदा एक जगह भावुक हो जाते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 30 ਸਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। केवल 3 साल उन्हें ईसाई मत का प्रचार किया और 33 साल का सी जदों सूली चढ़ गया। परों ने पैरोकारा ने इतना प्रचार किया अद्धी दुनिया ईसाई बनाती। ते हजरत ईसा जदों सूली चढ़न लगा कहने हे खुदा जिस इम्तिहान विच मैनू पाण लगे होर ना किसे नू पावी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਛੇਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿਓ। ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਔਰ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਕੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਲੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲਾ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਲੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲਾ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲਾ ਕਰਨ ਮਖੌਲਾ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੋ ਸੂਰ ਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੋ ਸੂਰ ਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣ ਵੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਈ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਉਂਦਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਈ ਝੰਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਉਂਦਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਯੋਧੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਯੋਧੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਵਾਲਿਆ ਅਣਖ ਪਿੰਡ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਲਾਮਤ ਕਾਂਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਣਖ ਪਿੰਡ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗਾਉਣ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਰਾ ਗਾਉਣ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲਾ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੋਲਾ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਪੋ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਸਿੰਘੋ ਸੂਰਮੇ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਇਆ
सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे जपो सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे बोलो सो जस तेरा गावे गावे जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे और पूरे की बढ़ियाई ताऊ की कीमत कई न जाई सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे सो जस तेरा गावे गावे सो जस तेरा गावे बोलो सो जस तेरा गावे गावे परम सत्कार योग सत संग जीओ जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने जीवन विच पहला धर्म युद्ध कीता श्री पौंटा साहब दे कोल है पंगाणी पंगाणी दे जंग विच पीर बुद्धू शाह दे दो नौजवान पुत्र शहीद होए
एक साला एक भरा ते चेले भी शहीद होए ते जिस वेले पंगाणी दा जंग जित के सतगुर पौंटा साहब आए सारिआं नूं सिरपाओ दित्ते इनाम दित्ते। अगले दिन अमृत वेले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने केसां विच कंघा कर रहे सन। पीर बुद्धू शाह आए ते लंबा चोला पहनदे सन क्योंकि पीरां दी गद्दी ते बैठे सन। आके जिस वेले मत्था टेकिया ते साहब जी कहन लगे पीर जी तुसी तन मन धन नाल सच्चाई दा साथ दित्ता है तुहाडे पुत्तर सदा वास्ते अमर हो गए ने दिल विच जरा भी अफसोस नहीं करना। पीर बुद्धू शाह कहन लगे महाराज अफसोस कादा ओ ते शहीद होके धन गुरु नानक साहब की गोदी विच जा बैठे ने। मैं समझना कि अज बेगम नसीरां दी कुख सफली हो गई है। गुरदेव ने कहा पीर जी जिन्हां जिन्हां भी पंगाणी दे जंग विच हिस्सा लिया है सारिआं नूं कुछ ना कुछ दित्ता है दसो तुहानूं की दईए। तुहाडे चेले शहीद होए दो नौजवान पुत्र एक साला ते एक भरा भी शहीद होए तुहानूं की दईए। ते पीर जी खड़े सन खलोतियां खलोतियां चोला पकड़ के झोली अगे कीती ते कहन लगे कलगियां वालिया ओए जे मेरे पुत्रां दी भेटा प्रवान हो गई है ये जेड़ा कंघा तुहाडे हाथ विच है जेड़ा कंघा केसां विच कर रहे हो ये कंघा केसां समेत मेरी झोली विच पा दिओ। ऐ दादा मेरी झोली खाली ना रवे। सत संगत जदों आपां कंघा या कंघी करने आ ते कुछ वाल टुट के केस टुट के विच आ जांदे ने ते कलगियां वाले ने ओ कंघा जिदे विच कुछ पवित्र के सन पीर जी टोली पा दिता जिस कलगियां वाले दे चरना ते राजे महाराजे पीर फकीर मत्था टेकण नूं तरसदे ने उस कलगियां वाले ने अपने सीस ते बन्नण वाली जड़ी दस्तार है ना अद्धी दस्तार भी पीर बुद्धू शाह नूं दे दित्ती। आखो सतनाम श्री अद्धी दस्तार भी दित्ती शस्त्र भी दित्ते ते पीर जी पौंटा साहब तों चल के अपने पिंड संडोरे आए। ए शर्त है उन्हां दी झोली जिदे विच कंघा ते केस ने झोली ओदां ही पकड़ी होई है। चेले बहुत सन इन्हां दे भावें पालकी विच बह के आए ने पर झोली ओदां ही है। जिस वेले घर आए ते पीर जी दी बेगम नसीरा ने इधर उधर देखिया ते पुछदी ए पीर जी मेरे पुत्र किथे ने जिस वेले जंग विच गए सी मेरे पुत्र नाल सन मेरा वीर नाल सी मेरा दियोर भी नाल सी कोई नजर नहीं आ रहा। जिस वेले नसीरा ने कहा पीर जी मेरे पुत्र किथे ने ते पीर बुद्धू शाह कहन लगे नसीरा दुनिया दी एक रीत है कोई कुछ लैके कुछ दे के रिश्ता गंढ दे कोई पग वटा के भरा बन दे ओए कलगियां वाले नल मवी एक रिश्ता गंढ आया तेरे पुत्र दे के गुरु दा कंगा ते केस लेके आया। नसीरा ए देख साडी झोली खाली नहीं होई साडी झोली जाती होई है। जद तक ए दुनिया रवेगी जिथे लोग कलगियां वाले नू याद करनगे ओ तैनू भी याद करनगे मैनू भी याद करनगे ओ तेरे पुत्रां नू भी याद करनगे। इह ने पीर बुद्धू शाह ते इह है उन्हां दा कलगियां वाले वास्ते प्यार। आओ अंत विच सारे मिल के ए वार पढ़ो उपरंत समाप्ति। यादगार ते लगते मेले मौत नाल जो हसे खेले यादगार ते लगते मेले मौत नाल जो हसे खेले असली जिंदगी शुरू हुंदी शहीदानी
हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी, हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी। यादगार ते लगते मेले मौत नाल जो हसे खेले, असली जिंदगी शुरू होती है मौत तो बाद शहीदां दी। हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी, हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी। कुर्बान कदे अणख दी खातर लड़ते लड़ते हो जाते, कुर्बान कदे पुर जा कट मर जाते, छड़ते नहीं मैदान कदे। अमर निशानी है जैदाद शहीदां दी, हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी, हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी। यादगार ते लगते मेले मौत नाल जो विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी, हर दिल विच सदा समाई रहती याद शहीदां दी। जिन्हां गुरु के प्यारियां ने पर उपकारी श्रद्धावान संगतां ने कीर्तन दा सत्कार करदियां होयां मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दियां उना गरीब बच्चियां वास्ते माया पेट कीती है, असी दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन चरणा विखे अरदास करदे हां कि सतगुरु जिन्हां गुरु के प्यारियां ने आप जी दिया लाडलिया संगतां ने अपनी किरत कमाई दे दसवंद नू लेखे लगांदियां होया उना बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। पातशाह आप सब दियां चोलियां भरन, आप सब दियां इच्छावां पूरियां करन, आन वाला समा आप सारियां दा सुखा भरिया बतीत होवे। मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन। सतसंगत महापुरशां दा बचन है जिन्हां घरां विच्चों दसवंद निकलदा है, जिन्हां जेबां विच्चों दसवंद निकलदा है ओ जेब फिर गुरु नानक साहब दी हो जांदी है। केवल हाथ तुहाडा हुंदे जिन्ने मर्जी कढ़ के खर्ची जाओ उत्थे कदी कमी नहीं आंदी। गुरु साहब रहमत करन लोक परलोक दे सुखां नाल तुहाडियां झोलियां भरन। इन्हां पावन पंक्तियां नूं पढ़ो फिर समाप्ती। औखी कड़ी न देखण ते औखी कड़ी न देखण ते जपो, औखी कड़ी न देखण ते बोलो जी औखी कड़ी। अपना मिर्त समाले अपना मिर्त समाले अपना मिर्त समाले
प्रभ से औलाद रहो मेरा जी, प्रभ से औलाद रहो मेरा जी, आद अंत प्रभ सदा सगाई, तन हमारा मीत औखी कड़ी, न देखन ते मन बिलास पै साहिब के, अजरज देख बड़ाई, हार सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, औखी कड़ी न देखन दे, 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 इतनी सेवा प्रवान करनी। धन्यवाद है जुगो जुग अटल साहब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, दूरों नेड़ों चल के आईया हुई श्रद्धावान संगतां दा ते दिलों धन्यवाद, अति धन्यवादी हाँ सब दा भला मंगण वाले गुरु नानक वेलफेयर सुसाइटी पिंड भूछां दे समूह श्रद्धावान प्रबंधक वीरां दा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा ते दिलों धन्यवाद, विदेशों में वसण वाले गुरु नानक साहब के चरणों नाल प्यार करन वाले समूह श्रद्धावान एन आर आई वीरां दा धन्नवाद करने आ, जिन्होंने अपनी किरत कमाई के दसवंध विचों इस गुरमत समागम वास्ते सहयोग भेजे है। महाराज कृपा करन समूह प्रबंधक वीरां दे सिर ते अपना मेहर भरिया हथ रखण, समूह इलाका निवासियों नू चढ़दी कला बख्शण, आप सब संगतां दे भंडारे भरे रहन, मेरे सतगुरु तुहाडे बच्चियां नू जिंदगी विच कामयाबी अपने दर घर दा प्यार बख्शण, सूझवान स्टेट सकत्तर साहब दा तहे दिलों धन्नवाद, दसां तों बाद सिख पंथ दे महान कीर्तनीए परम सत्कारयोग भाई साहब भाई जगतार सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब, वो आप जी नू गुरु के कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। जी आया नू किहा जांदा है भुल चुक दे खिमा फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।